अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। इट्स मी अनीता सरफराज। तो आज जो है ना, मेरी लोकेशन टोटली चेंज हो गई है क्योंकि मैं आ गई हूँ गिलगित। सुबह के हम लोग पहुँच गए थे, तकरीबन 7 बजे हम गिलगित पहुँच गए थे। यहाँ रात का सफ़र था, लाइक हम कल शाम के 6 बजे वहाँ से निकले थे और सुबह के 7 बजे हम गिलगित पहुँच गए। रास्ता बहुत लंबा होता है और दूसरा ये कि बहुत थक जाती हूँ मैं। रास्ता देखने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और रास्ता मुझे बहुत जहर लगती है। मुझे ट्रैवल करना बहुत बहुत बुरी लगती, मतलब मुझे जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो है ना ट्रैवल गाड़ी में बैठ के लंबा जो सफ़र है ना, वो बिल्कुल जहर लगती है। तो फिर रास्ते का मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बताता मैंने पूरी रास्ता सो के ना गुजारना है। या आप पीछे देख सकते हैं, इतना प्यारा प्यारा व्यू आपको नज़र आ रहा है, बड़े बड़े पहाड़, सूखे सूखे पहाड़। तो अभी हम आए गिलगित कुछ काम के लिए, तकरीबन 10-15 दिन के लिए हम आए हुए हैं गिलगित। तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों को अपने साथ गिलगित घुमाती हूँ और आप लोगों का अपना आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों को अपनी गार्डन दिखा रही हूँ कि, और नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो हमारे घर पर होगा कि हमारा जो गिलगित का घर है वो कैसा बना हुआ है और ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है एंड ऑल दैट स्टफ। घर का पूरा टूर कराऊँगी, तो आप लोगों ने मेरी वो भी व्लॉग भी देखनी है और ये व्लॉग भी देखनी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगी। और आप ये देख सकते हैं हमारा जो अमसाया है वो तकरीबन कुछ इस तरह से है। और ये आप हमारे गार्डन में देख सकते हैं, स्विमिंग पूल भी है और ये आप देख सकते हैं इतना प्यारा गार्डन है। इसमें हमारे पास सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, सेब भी लगी हुई है, खुबानी भी लगी हुई है, हर तरह के दरख्त लगे हुए हैं, हर तरह के सब्ज़ी आंटी ने उगाए हुए हैं। जो ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रहते हैं ना आंटी, उन्होंने नीचे जो है बहुत सारी सब्ज़ियाँ उगाई हैं अपने लिए, क्योंकि गिलगित में मोस्टली हम लोग ना जो फ्रेश सब्ज़ी वो इस्तेमाल करते हैं, बाहर से हम मोस्टली अवॉइड करते हैं कि हम बाहर से कुछ भी लेके आएँ। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊँगी। तो आप लोगों ने मेरी ब्लॉग को देखनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। गिलगित का जो है ना पूरा टूर कराऊँगी, आप लोगों ने पूरी ब्लॉग्स देखनी, मिस नहीं करनी। और दूसरा यह है कि यहाँ पर नेट का बहुत मसला है, नेट नहीं है और सुबह से मैं लगी हुई हूँ कि मेरा नेट किसी तरह काम करे, लेकिन नेट काम ही नहीं कर रहा। लेकिन खैर, आप लोगों ने मेरी सारी व्लॉग्स देखनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को गिलगित कैसा लगा और मेरा जो गार्डन है वो कैसा लगा। इसके बाद जो है ना मेरा घर का व्लॉग आएगा, या इससे पहले ही घर का व्लॉग आ चुका होगा, तो आपने दोनों व्लॉग्स देखनी है और मुझे बताना है। मैं और अम्मी घर का जायज़ा लेते हुए कि गार्डन में कौन कौन से नए दरख्त निकले हैं, कौन कौन से नए पौधे निकले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी तक हमारी तबीयत भी सही नहीं हुई है। ये अंगूरी में अंगूर ना, ये अंगूर की है। और ये साथ वाला जो है ना, ये चेरी का दरख्त है, ये वाला, ये भी पता नहीं कौन कौन से। ये सेब का दरख्त है, वो एक सेब लगा हुआ। आंटी ने कुछ कुछ चीज़ें उगाई है किस चीज़ को ख़राब करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ एक सेब भी लगी हुई है, दिखाओ। ये जो सारी है, ये सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, यहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरी आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक निकला है, ये स्ट्रॉबेरी, वाओ, इट लुक्स सो गुड। तो ये देख सकते हैं ये हमारे गार्डन में स्ट्रॉबेरी भी बनी हुई, देख सकते हैं ये इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल, कुछ मुरझा गए और कुछ अभी तक फ्रेश है। देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर निकले हुए हैं, ये सारा जो है ना टमाटर और गोभी की जो है ना पौधे हैं। ये देख सकते हैं इतना प्यारा प्यारा छोटे छोटे से टमाटर उग रहे हैं। सेब का दरख्त है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, वो उधर एक सेब लगी हुई है, बाकी सारे सेब जो है ना इन्होंने तोड़ के खा लिए। ये गाजर लगे हुए, ट्राई करते हैं गाजर निकाल के। गाजर अभी बहुत छोटे, गाजर अभी तक बड़े नहीं हुए, ये मैंने निकाल दिए, दोबारा लगाते हैं क्योंकि गाजर अभी तक पका नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल निकले हुए हैं हर कलर के। और ये है डार्क मैरून, ये है पर्पल, ये है येलो, और वहाँ पे है
पिंक, येलो और बहुत सारे। तो ये जो है ना, ये हमारा गार्डन है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो ना, शीशे में आप लोग मुझे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा सब कुछ नज़र आता है। मिरर लगी हुई है सामने बिल्कुल। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। ये ऊपर वाले पोर्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे दरख्त हैं, सेब के भी हैं, और ये खुबानी का दरख्त है। खुबानी का सीज़न भी ख़त्म हो गया है, सेब का तो अभी सीज़न है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे सेब निकले होंगे, वो ख़त्म भी हो गए। ये भी जो है ना सेब का दरख्त है, और ये वाला जो है ना वो खुबानी का दरख्त है, खुबानी भी ख़त्म हो गई है। वो सेब की दरख्त है, वो भी ख़त्म हो गया। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे नए दरख्त निकले हैं छोटे छोटे। ये सारे मेरे ख़्याल में से खुबानी के दरख्त हैं। ये जो ना जब खुबानी खाते हैं ना, उसके बाद उसका जो बीज बचता है वो जब हम अंदर डालते हैं, तो उससे ये छोटे छोटे दरख्त निकलते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे बड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कितने बड़े हो गए माशाल्लाह, एक दो साल में तो ये पूरा तैयार हो जाएगा, इस जितना बन जाएगा। तो खैर अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक और सेब का दरख्त है। यहाँ पे सेब लगे हुए ख़राब हो गए, लेकिन यहाँ पे सेब लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सेब लगा हुआ है यहाँ पे, और इधर भी लगा हुआ है एक सेब, और बाकी सारे सेब ख़त्म हो गए। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएं, ये सारा घास घास, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे दरख्त, और वो गिलगित के ख़ूबसूरत पहाड़, और ये हमारा घर का जो है ना गार्डन एरिया है, वो साथ में गार्डन, वो हमारा घर है। वो छोटी सी बेबी जा रही है, वो हमारा घर है। इस साइड पे ये जो पूरा जगह है, इसका हमने अपना गार्डन बनाया हुआ है। ये गोभी के लगे हुए हैं, टमाटर के भी मैंने आपको दिखाया है, और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, वो भी लगे हुए हैं। मेरे पास जो है ना दूसरा एक और है, हमारे ज़बान में ब्रांच कहते हैं, उसका दरख्त है, और दूसरा ये भी मेरे ख्याल में से खुबानी का ही दरख्त है। और ये बीच में हमारा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में फ़िलहाल पानी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने मेरे वीडियो को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और स्टे ट्यून, और मेरी जो है ना आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, क्योंकि अभी बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, और आपने कोई भी व्लॉग मिस नहीं करनी, क्योंकि पूरा जो गिलगित है उनजा है, और फिर जाकर चपरसन में आप लोगों को पूरा टूर कराऊंगी। तो स्टे ट्यून और अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।